विश्व में चल रहे युद्धों में शामिल देश और उनके सहयोगी एक दूसरे पर दबाव बनाने के लिए जिस तेजी से रणनीतियां बना रहे हैं, उसी तेजी से वो अपनी रणनीतियों को बदल भी रहे हैं। कभी युद्ध विराम की बात तेज हो जाती है तो कभी एक दूसरे पर युद्ध तेज कर दिए जाते हैं, तो कभी हर हमले के बदले जवाबी हमले की रणनीति शुरू हो जाती है। एक तरफ जहां अमेरिका के सहयोग से इजराइल गाजा में हमास के खिलाफ हमले कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ हमास और उसकी तरफ से लड़ रहे हिजबुल्ला को ईरान समर्थन दे रहा है। शांति पसंद लोग विश्व में लंबे समय से चल रहे युद्धों को रोके जाने की बात करते हैं, लेकिन युद्ध में शामिल देशों की तरफ से युद्ध विराम के लिए कोई पहल होती नहीं दिखती, बल्कि युद्ध विराम के बदले दुश्मन से बदला लेने की योजना बन रही है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में हमास के राजनीतिक नेता की हत्या पर इसराइल के खिलाफ ईरान के बढ़ते गुस्से को शांत करने के प्रयास में लगे हैं। इसके लिए मिडिल ईस्ट के नेता हमलों से हटकर शांत विकल्प पर विचार करने के लिए जिद्दा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के इमरजेंसी समिट में इकट्ठा हुए थे। दरअसल जब से पिछले हफ्ते ईरान में हमास के राजनीतिक प्रमुख इस्माइल हानिये की हत्या हुई है, तब से ईरान के नेताओं ने इसराइल से बदला लेने की कसम खाई है, क्योंकि ईरान हानिये की हत्या के लिए इसराइल को ही जिम्मेदार मानता है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान और उसके पड़ोसियों के बीच इस डर से हवाई उड़ानें भी रद्द कर दी गई हैं कि पता नहीं कब मिसाइल उड़ना शुरू कर दे, इससे गाजा में इसराइल भी युद्ध तेज कर सकता है। अमेरिका का कहना है कि उसने इसराइल और ईरान दोनों को बताया है कि किसी को भी इस युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहिए। अमेरिकी विदेश मंत्री ने कहा कि युद्ध विराम बातचीत अंतिम चरण पर पहुंच गई है और क्षेत्र में कोई भी तनाव शांति वार्ता को खतरे में डाल सकता है। इधर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने इसराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकी ने कहा कि उन्हें डर है कि हिजबुल्ला इसराइल पर हमला कर सकता है और अगर इसराइल जवाबी हमला करता है तो पूरे क्षेत्र में तनाव बढ़ सकता है।